Assalamu alaikum viewers, I am Sayyed Hasnain and you are watching Sayyed Hasnain YouTube channel and Facebook page. So guys, today class I am going to teach you how to use formula auditing in MS Excel. Previous class में समझ के आए थे कि कैसे हम use करते हैं definite names का in MS Excel के अंदर. So आज की class में समझेंगे कैसे हम use करते हैं formula auditing का in MS Excel. So, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिस भाई ने जो यूट्यूब पे वॉच कर रहा है अभी तक मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो प्लीज जाकर लाइक कर दें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है. और जो फेसबुक पे वॉच कर रहा है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले जैसे मैं अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में नोटिफिकेशन आ जाए. सो आज क्लास में जैसे पहले बेस में कैसे हम यूज करते हैं फॉर्मूला ऑडिटिंग का इन एमएस एक्सेल. क्लास स्टार्ट करते हैं. सो कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो हम आ चुके हैं, ये तो लास्ट क्लास में हमने समझा था. अब हम चलते हैं सेकंड शीट पे. सेकंड शीट पे आने के बाद तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं फॉर्मूला के टैब के अंदर. हम समझ चुके हैं यहाँ तक फॉर्मूला लाइब्रेरी समझ चुके हैं, हम डिफाइंडेड नेम समझ चुके हैं और आज हम समझेंगे फॉर्मूला ऑडिटिंग. तो फॉर्मूला ऑडिटिंग में सबसे पहले हमारे पास है ट्रेस प्रेसिडेंट एंड ट्रेस डिपेंडेंट. अब ये दो हैं रिमूव एरो, शो फॉर्मूला, एरर चेकिंग एंड एवलेट फार्मूला. तो ये तीन छः चीज़ हम समझेंगे इस पूरे फार्मूला ऑडिटिंग को आज हम समझेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं सम नंबर्स यहाँ पे ना, हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 20 एंड देन 40 एंड देन नेक्स्ट टैब में हम लिख लेते हैं 50. ठीक है, 50 हो गए हमारे पास. इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर टैब में, उसका हम लिख लेते हैं इक्वल का साइन, फिर हम लिखते हैं SUM. सम लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं हमारे पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देता हूँ आपको ये ट्रेस प्रेसिडेंट्स क्या करता है, ये हमारी वैल्यू को ट्रेस करता है. ट्रेस करके हमें एरोस की शक्ल में दिखाता है कि इस तरह हमारी वैल्यू ट्रेस हो रही है. अब ये इसका भी काम सेम टू सेम यही है. अब हम ले लेते हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू, देन हम कर देते हैं मार्क, फिर हमने ले लिया ये वाली वैल्यू को, सॉरी कंट्रोल जेड, देन हमने ले लिया ये वाली वैल्यू, फिर मार्क देने के बाद हमने ले ली ये वाली वैल्यू. क्रॉस करते हैं ब्रैकेट, इंटरप्रेस करते हैं. तो देखें इसने इसको क्या कर दिया, सम करके 110 दे दिया हमें. अब हमें इस 110 कहाँ से आ रहा है ये पता रखना है, करना है. तो हम सिंपली 110 पे क्लिक करेंगे हमारे फॉर्मूले पे, देन हम कर देंगे ट्रेस प्रेसिडेंट. इस पर क्लिक करने के बाद तो हमें यहाँ पर देखें इसने एरो दिखा दिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 सेलेक्ट है, देन 50 सेलेक्ट एंड देन 40. इन तीनों को प्लस करके सम करके यहाँ पे 110 हमें शो हो रहा है. ये हो गया हमारा. उसके बाद देखिए हम ले लेते हैं इस तरह का, ये दो टाइप से हम ले सकते हैं. देखिए एक कर लेते हैं 10, हम कर लेते हैं 20 यहाँ पर. उसके बाद बराबर वाले सेल में ले लेते हैं 20 मोर, देन फिर बराबर वाले सेल में हम आते हैं यहाँ पर, हम करते हैं इक्वल. उसके बाद हम ले लेते हैं ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल, देन अगेन प्लस, फिर ये वाला सेल ले लेते हैं, फिर हम करते हैं इंटरप्रेस. तो देखें यहाँ पर 50 हमारे पास वैल्यू मिल गई. अब अगर हम दोबारा से ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक करें तो देखें यहाँ भी इस तरह ये शो करा रहा है. ठीक है, ये बहुत वेस हो गया इनको यूज़ करने का. अगर हम करें यहाँ पर कंट्रोल जेड, हम बैक वाली शीट पे आ गए, हम करते हैं यहाँ से इसको रिमूव एरो. ठीक है, रिमूव एरो करने के बाद अगेन इसको कर देते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट. अब यहाँ पर हम आगे कर देखें, अगर हम यहाँ पर क्लिक करके इसको करें ट्रेस डिपेंडेंट, तो देखिए ये वन बाय वन है ना, इसको हमारा बताया कि 10 जो है हमारा वो यहाँ जा रहा है 50 में. अब यहाँ आके हम एक और दफ़ा करें तो देखें 20 भी बता रहा है हमारा कहाँ जा रहा है 50 में. तो इस तरह आप वैल्यू भी पता कर सकते हैं कि अपनी वैल्यू जो आपकी है वो कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है. ठीक है, तो एक एक करके भी कर सकते हैं और इकट्ठा देखना है तो इस तरह आप कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेस प्रेसिडेंट एंड ट्रेस डिपेंडेंट. अब रिमूव एरो तो सिंपल है, हमने आपको करके दिखा दिया, इस पर क्लिक करेंगे तो एरोस रिमूव हो जाएंगे. और एक एक करके करने से रिमूव प्रेसिडेंट के करने या डिपेंडेंट के करने, तो एक एक करके भी आप कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अब हमारे पास है शो फार्मूला. शो फार्मूला बेसिकली हमारा क्या करेगा, देखें फार्मूला में शो करा देगा जो अभी तो हमारी वैल्यू आ रही है, वैल्यू की जगह फार्मूला शो करा देगा. देखें सम, इसने फार्मूला हमारा शो करा दिया. अब अगर हम शो फार्मूला पर अगेन क्लिक करेंगे तो फार्मूला हमारा हटी आएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी. अब एरर चेकिंग क्या करते हैं, देखें अभी तो सिंपली एरर चेकिंग पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी काम इस पे वर्क नहीं होगा. तो हम एरर चेकिंग का क्या काम है, देखें एरर चेकिंग का हमारा काम ये है, अभी हम रिमूव एरो कर देते हैं. ठीक है, एरर चेकिंग का काम हमारा ये होता है कि हमें एरर जो हमारा होता है वैल्यू के अंदर तो वो हमें बता देता है. अभी देखें 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, 20 की जगह अब मैं यहाँ पे 0 की जगह A कर देता हूँ.
फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखें यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ आ गया मेरा, यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ आ गया वैल्यू। तो यहाँ पे समथिंग आउट है, मिस्टेक है, तो हमें एरर चेक करना है। अब हम यहाँ पर आते हैं, सिंपली एरर चेक करते हैं, तो देखें हमारे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स एक अपेयर हो गया एरर चेकिंग का। अब यहाँ पे एरर इन सेल G13 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें एरर आ रहा है वैल्यू का, एरर इन वैल्यू, अब वैल्यू यूज इन द फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप, जो उसकी डेटा टाइप है वो रॉन्ग वे में है, ठीक है, फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं वो गलत वे में कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे सम ऑप्शन है, हेल्प ऑन दिस एरर, अब देखें शो कैलकुलेशन स्टेप्स, अब इग्नोर एरर, इग्नोर करेंगे तो इग्नोर हो जाएगा, एडिट इन फॉर्मूला बार, एडिट इन फॉर्मूला बार से क्या होगा, तो हमें यहाँ पे ये एडिट इन फॉर्मूला बार में ले आएगा, बट हमें ये नहीं करना है, अभी हमें शो कैलकुलेशन स्टेप में जाना है। यहाँ पे आके हमें अपना एरर चेक करना है, देखिए हमारा एरर क्या हो रहा है यहाँ पे 2A, अब हमें एरर पता लग गया, अब हम एवेल्यूएट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, एवेल्यूएट पे क्लिक करके रिस्टार्ट करते हैं, देन हम स्टेप इन पे आते हैं। स्टेप इन पे जब हम आते हैं तो देखें स्टेप इन स्टेप आउट ये तो हमारे काम का नहीं है, तो हम क्लोज करते हैं, पर हमें यहाँ पे सिर्फ सिंपली हमारा एरर चेक करना था कि एरर क्या हो रहा है। क्लोज करते हैं, हम आते हैं एडिट इन फॉर्मूला बार, एडिट इन फॉर्मूला बार में आने के बाद हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू पे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद हम करते हैं 20, देन हम रिज्यूम कर देते हैं उसको, उसके बाद देखें आप हमारा जो वैल्यू थी वो बिल्कुल सेट हो गई और एरर चेकिंग का भी काम हमारा यही होता है। एवेल्यूएट वैल्यू, एवेल्यूएट वैल्यू फिर हमें वैल्यू बताएगा, देखें 20 है यहाँ पर, या हम यहाँ पर क्लिक करें तो हमें यहाँ पर बता देगा, यहाँ पर कर लेते हैं एवेल्यूएट फॉर्मूला, तो देखें यहाँ पे हमें सम का ऑप्शन दिखा दिया इसने फॉर्मूला, तो सिंपली इसका एवेल्यूएट का यही काम होता है। सो फॉर्मूला ऑडिटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, सो इसमें यही यूज़ होता है हमारा, सिंपली देखें अगर हम आपको अगेन करके दिखा दें तो देखें यहाँ से ट्रेस वाला हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एरोस देता है हमें, वैसे ही हमारा वर्क काम में इतना आता नहीं है, बट इस MS Excel में है तो आपको बता दें, इससे रिमूव हो जाते हैं एरो और शो फॉर्मूला हो जाता है यहाँ से, और एरर का तो आपको बता दें, एरर चेकिंग का एवेल्यूएट फॉर्मूला देगा, एवेल्यूएट बता देगा हमें, और एरर कोई एरर होगा तो बताएगा, बट अगर नहीं होगा तो ये सिंपली ऐसा देगा, दी एरर चेक इज कंप्लीट फॉर दी एंट्री शीट। सो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी होपफुली, सो काइंडली जो फेसबुक पे मुझे वॉच कर रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।